Good morning, everyone. We are going to start with chapter 11, Light, Shadows and Reflections. तो इस चैप्टर में हर टर्म का एक अलग टॉपिक आएगा. सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, देन वील टॉक अबाउट शेडोज एंड फाइनली अबाउट रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले हम लाइट के टॉपिक को शुरू करेंगे. तो उन्होंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो, ठीक है, बहुत सारी कलरफुल, बहुत डिफरेंट चीजें देखते हो. जब इफ यू रिमेम्बर व्हाइल गोइंग टू स्कूल, अगर आप बस में भी ट्रेवल कर रहे हो तो अपने स्कूल का आपने ऑन द वे आपने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स घूम रहे हैं. देयर आर मेनी व्हीकल्स आर देयर, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, डिफरेंट कार्स हैं, साइकिल्स हैं, एनिमल्स हैं इवन. तो आपने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है. ओके, बट हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, हम ये सब कैसे देख पाते हैं? चलो अब इन्हीं प्लेसेस को देखने का आप थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं. नॉर्मली आप स्कूल में कब आते हो? जब सुबह का टाइम होता है. ओके, बट ऑब्जर्व इट एट नाइट. सपोज आप अपने घर के बाहर ही देख रहे हो, तो आपने सुबह के टाइम पे ऑब्जर्व किया तो आपको हर चीज बहुत प्रॉपर एंड बहुत ईजी वे में आपको देखने को मिलेगी. बट अगर आप रात के टाइम में वो चीज देखो जब बिल्कुल भी लाइट नहीं है वहां पे, तो विल यू बी एबल टू सी एनीथिंग? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी नो. तो आपको बहुत डिम दिखेगा, या आपको अगर बिल्कुल अंधेरा है तो आपको दिखेगा भी नहीं. सो सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? सपोज एक डार्क रूम है, वहां पे सोफास पड़े हैं, चेयर्स पड़े हैं, टेबल पड़ा है, बेड पड़ा है, बट आपको नहीं पता. आपको एक बिल्कुल एनोनमस रूम में लेके जाया जाए जहां पे जो रूम आपने कभी देखा ही नहीं है और वहां की लाइट्स बिल्कुल ऑफ है, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि वहां पे क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ऑब्वियसली नो. रीजन बीइंग क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं है और आपको वो दिख भी नहीं रही चीजें. सो ये सब हम क्यों देख पाते हैं? आप कोई भी चीज को अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते, और जब अंधेरा नहीं है तब उस वक्त को क्यों देख पाते हो? द सिंपल रीजन इज लाइट. लाइट की वजह से आप चीजों को देख पाते हो, और अगर लाइट नहीं है तो आप उन्हीं चीजों को देख ही नहीं पाते. तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द थिंग्स अराउंड यू. ओके, तो लाइट एक्चुअल में है क्या? जैसे साउंड एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, वैसे ही एक और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर जिसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं. तो लाइट इज नथिंग, इट इज बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म होती है लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमें आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के कैपेबल करती है, एबल करती है. उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाइट बोला जाता है. ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी अपने लाइट ऑन की तो आपको रूम की सारी चीजें दिखने लगती, बट अपने आप तो वो चीजें दिख नहीं रही थी. मतलब जो कुछ चीजें होती हैं वो अपने में से लाइट एमिट करती हैं और कुछ चीजें अपने में से लाइट एमिट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल रात के टाइम में अगर बिल्कुल लाइट नहीं है, इवन सन इज नॉट देयर, मान लो मून की लाइट भी नहीं आ रही आपके पास, बिल्कुल न्यू वी कैन से इट इज न्यू मून डे, तो आप बिल्कुल अंधेरा है तो आप ऑब्वियसली नहीं देख पाओगे. बट उसी चीजों को जब सुबह होगी, जब सन निकल आएगा, तो आप उनको इजीली देख पाओगे. रीजन बीइंग कि सन से आप बोलते हो सनलाइट, तो सन की जो लाइट है आप उसकी वजह से ही अपने आसपास की चीजों को देख पाते हो. तो इसका मतलब क्या है कि जो सन है इट इज प्रोड्यूसिंग द लाइट. ओके, वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से लाइट एमिट हो रही है, लाइट उसमें से निकल रही है. तो ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स इंटू टू कैटेगरीज. नंबर वन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर टू नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो ल्यूमिनस क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट. ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट. वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है, इसका मतलब है कि वो अपने आप लाइट को जनरेट करेंगे. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सन की. सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, इस पे किसी की लाइट नहीं पड़ती, वो अपनी लाइट खुद बनाता है. एंड अगर हम अर्थ पे आ जाएं तो अर्थ पे देखें तो ऑब्वियसली
ट्यूब टॉर्च, ओके ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, कैंडल है, तो ये सारी जो चीजें है दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज दैट एमिट देयर ओन लाइट. सन, फ्लैश लाइट, मैचस्टिक जब आप टर्न ऑन करते हो, तो एक बिल्कुल अंधेरा कमरा था, आपने एकदम से उसमें कैंडल ऑन कर दी, तो आपको सब चीजें देख आप देख सकते हो. वो कैंडल क्या है? एक सोर्स ऑफ लाइट है. और ऐसे जो सोर्सेज ऑफ लाइट है जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे सन की एग्जाम्पल है, मैचस्टिक इज देयर, इलेक्ट्रिक बल्ब इज देयर, तो दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. इसका ऑपोजिट सेकेंड टाइप इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, दैट वी कैन नॉट सी देम इन डार्कनेस. हम उन ऑब्जेक्ट्स को डार्क में ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी लाइट को खुद जनरेट नहीं करते. ओके, सो वी कैन, वो हमें कब दिखेंगे? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की रोशनी उस पर पड़ेगी. Then we need luminous object to see non-luminous objects. हमें non-luminous objects को देखने के लिए luminous objects की जरूरत है. जैसे for example, हम अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, okay, तो हर चीज मुझे दिख पा रही है. Reason being, ये सारी चीजें, trees, cars, vehicles, ये सारी चीजें क्या हैं? They are non-luminous objects. But मैं इन चीजों को देख पा रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो luminous object होगा. And the best luminous object is sun. उस sun की वजह से ही मैं सब चीजों को देख पा रही हूँ. तो जो बाकी सारी चीजें हैं वो है non-luminous और जो sun है it is luminous. तो luminous objects is, it is necessary to see the non-luminous object. जैसे मैंने आपको एक first example दिया, आप room में enter किए, dark room था, वहां पे बहुत सारे articles पड़े थे. अब कोई chair है, sofa है, table है, वो अपने आप तो अपनी light emit नहीं कर रहे. अगर करते तो हमें दिखते, ठीक है, वो अपने आप तो अपनी लाइट एमिट नहीं कर रहे, तो दे कम अंडर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो जैसे ही मैंने वहां पे एक कैंडल ऑन की, मुझे सारी चीजें देखने को मिल गई, तो कैंडल इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मुझे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो सबसे पहले हमने लाइट के बारे में देखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. सेकेंडली हमने फिर डिवाइड किया था मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इन टू कैटेगरीज, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज दैट एमिट देयर ओन लाइट, दैट फॉर एग्जांपल सन, फ्लैश लाइट एंड टॉर्च, ट्यूब लाइट, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और देर आर सम इंसेक्ट ऑल्सो, जिसको आप जुगनू बोलते हो, वो भी, उसमें से भी लाइट प्रोड्यूस होती है. देर आर सम इंसेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी ल्यूमिनस के अंडर ही आएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वी कैन नॉट सी देम इन डार्कनेस, वी नीड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल नंबर 11.1, ये आप ग्रुपिंग ऑफ मटीरियल चैप्टर में भी एक बार आप पढ़ चुके हो. इसमें अब दोबारा से ये रिपीटेशन हुई है. That means कि आप material को on the basis कि वो कितनी light अपने में से pass कर सकते हैं, उस basis पे हमने तीन तरह से divide कर लिया इसको. Okay, क्या किया आपने? आपने क्या किया? Objects को classify कर लिया into three categories on the basis of the amount of light that can pass through. Okay, अगर तो complete light pass हो जाए, ठीक है, कि कोई object में से light बिल्कुल completely pass हो जाए, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक ना हो, कंप्लीट की कंप्लीट पास हो जाए, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनमें से लाइट एक्चुअली विदाउट एनी रिफ्लेक्शन इट गेट्स पास थ्रू इट. और पास थ्रू होने की वजह से हम उसके आर पार देख सकते हैं, वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम. ठीक है, तो सी थ्रू भी होते हैं, हम उनके उनसे देख भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विंडो पेन, कोई खिड़की है, आपने उसको देखा, कोई पैटर्न नहीं बना हुआ, प्लेन ग्लास है, तो आप उसमें देख सकते हो, आपको अंदर का भी दिखेगा, आपको बाहर का भी दिखेगा, तो दे आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और भी आप एग्जांपल ले सकते हो. सपोज आप एक प्लास्टिक की शीट लो जो बिल्कुल क्लियर है, तो उसके आप आर पार देख सकते हो. जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे उठाया हुआ है,
तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास करती है और हम उसमें से देख पाते हैं इजीली सेकंड साइड को भी, उस उनको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसल्यूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दे ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम, दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शली। अब पार्शली का मतलब क्या है, नॉट कंप्लीटली, कंप्लीट नहीं, जैसे ट्रांसपेरेंट में था कंप्लीट लाइट पास हुई थी, अब ट्रांसल्यूसेंट में सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइट विल पास एंड जो कुछ पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और उसको जो स्क्रीन है वो ब्लॉक कर देगी, सिर्फ कुछ लाइट को ही पास होने देगी, उस वजह से हमें जो इमेज है दूसरी साइड पे थोड़ी सी धुंधली दिखेगी, थोड़ी सी वेग दिखेगी, इट विल नॉट बी क्लियर। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स वी टर्म्ड इट एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर उसी विंडो पेन में कोई डिजाइन बना हुआ है, कोई पैटर्न बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो मिरर है, जो विंडो पेन है, वो भी ट्रांसल्यूसेंट कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जिन चीजों को देखने से जिसमें से कंप्लीट लाइट नहीं पास कर रही और जिन चीजों को हम धुंधला देख सकते हैं, हम देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड फाइनली वी हैव ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल भी लाइट को अपने में से पास होने नहीं देते, दे कंप्लीटली ब्लॉक द लाइट, वो कभी भी अपने में से लाइट को पास होने नहीं देंगे। सो इन तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब जितनी भी सपोज आपकी बुक है, इफ लैपटॉप इज देयर, मोबाइल इज देयर, ये सब जो सारी चीजें हैं वो ओपेक है बिकॉज वो अपने में से लाइट को पास होने नहीं देती। इवन वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमंस हैं, हम भी ओपेक है, तो हमारे में से भी लाइट पास नहीं हो सकती। सो दीज आर थ्री कैटेगरीज, नंबर वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, नंबर टू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड नंबर थ्री ओपेक ऑब्जेक्ट। Hello students, you all must be wondering, I have collected so many things in front of me, what are the use of these things? So today we are going to perform an activity from which you can be able to understand what type of object passes the light through them and what type of objects do not. So for this, what I need a torch which will act as a source of light, and I need a sheet of black paper which will act as a screen. So I have so many things in front of me. I am going to pass the light from each one of it and observe them. Finally, I am going to take up the first object. This is a clear bag. I am going to pass the light from it. Is there any change in intensity of the light with paper or without the sheet? As you can see, there is no change. So the objects which completely allows the light to pass through them, they are termed as transparent objects. So transparent objects are those which completely allows the light to pass through them. Next object I am going to take up with this butter paper. I am going to pass the light again from this paper. So see and observe the light on the screen. Firstly, observe the light without paper. Secondly, I'm going to place a butter paper in front of it. Now observe carefully. The intensity of light has been decreased. There is a change in intensity. First, the intensity was more and then intensity has become little lighter or dimmer. So this means the light is passing but partially. So the objects which allows the light to pass through them partially, they are termed as translucent objects. Finally, I'm going to take up this serving tray that I have got from my kitchen. So I'm going to perform the same activity with this tray also. Without tray, you can observe the intensity. With tray, can you observe any of the light on the screen? The answer would be no. There is no light on the screen. This means that serving tray is completely blocking the light. So the third type is here. That means the objects which completely blocks the light or which do not allow the light to pass through them, they are known as opaque objects. So we have three categories. First is transparent object, translucent object, and the last one is opaque object. Transparent objects are those which allows the light to pass through them.
Translucent objects are those which pass the light through them but partially, and finally the opaque object which completely blocks the light or which do not allow the light to pass through them at all. So this was the concept, and I hope this concept is clear to you. But now it's your turn to classify the things as transparent, translucent and opaque. I'm going to perform the same activity again but with some different objects. Firstly, I'm going to take this glass guard. See, observe it carefully. Without the glass guard, with the glass guard, is there any change in intensity? No, there is not any change in intensity. The intensity of light is same. That means what type of object is it? Guess? Yes, you guessed it right. This is transparent object. Secondly, I'm going to take up this serving tray. Observe it, without tray and with tray. Is there any change in the intensity of light? Yes, you can observe there is a change in the intensity of the light. The light's intensity has been decreased somehow. That means the tray allows the light to pass through it, but partially. So what type of object is it? You guessed it right again. This is translucent object. And finally, I'm going to take up your science book. Again, I'm going to perform the same activity. You can observe the screen, the light on the screen. And finally, I'm going to try to pass the light from this book. As you can see, there is no light on the screen. That means the book is completely blocking the light. So this means this object is, yes, this object is opaque object. So these are the classification. Number one was transparent, number two translucent, and number three opaque objects. So I hope the concept is clear to you. Thank you so much. So this was all about today. I hope aapko samajh aa gaya hoga what are the different type of objects. I hope you like the video also. Activity aapko samajh aayi? So Suhani likes it. Okay. Thank you so much.